रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज हम वतनों, कुलभूषण की डेथ पेनल्टी पे नून लीग को तो सारी को सब सूंग गया। पीआईडी में तो ऐसे जैसे सफे मातम पीछी है। खान साहब एक लफ्ज भी बोले तो पूरे जितने पीएमएलएन के कुत्ते टऊ 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 करते हैं। लेकिन जरदारी का जो कतूरा है वो बिल्लो मोरी, उसने बोला जी हम डेथ पेनल्टी के खिलाफ है। क्यों तेरा थोड़ा हो बनोई है, वो तुम्हारा बहनोई है या बरादर निस्बती है कि तुम डेथ पेनल्टी के खिलाफ हो? पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया है राह के राह ने। तुम भी राह के जंट हो, तेरा पे जरदारी भी राह का जंट है। दूसरी तरफ ये नवाज शरीफ तेरा ये दामाद है कि जिसकी डेथ पेनल्टी पे तुम्हारे घर में सफे मातम बिछी पाकिस्तानी हो। याद रखो, मैंने दो महीने पहले बोला था कि सहाला जेल में कुलभूषण वीआईपी माहौल में मौज मस्तियां कर रहा है, उसको लड़की और दारू वहां फराहम किया जाता है, 7 स्टार का प्रोटोकॉल, उसकी 7 स्टार 5 स्टार होटल का प्रोटोकॉल दिया जाता है और उसकी समरी इंडियन काउंसलेट ने तैयार करके नवाज शरीफ को दी है। वहां उसके सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने उसको साइन करके टेबल पे रखा हुआ है और इंतजार हो रहा है कब हमारे बड़े शेर का मूड थोड़ा सा नॉर्मल होएगा, उसको बोलेंगे इस पे साइन मारो और कुलभूषण को वीआईपी और बगैरती प्रोटोकॉल के साथ कुलभूषण को इंडिया जाने दो। अगर कुछ मुश्किल हुई तो मैं बुला लूंगा, नवाज शरीफ ने बोला था कि मैं बुला लूंगा, इसको जाने दो। ये इसको पाकिस्तान से भेजने वाले थे जैसे 15 राह के एजेंट पहले यहां से तीर हो चुके हैं जो पकड़े थे हमारे जवानों ने। ये तो कुछ मैंने डंडा दिया था तो कुछ जिंदाबाद मेरे आर्मी के जूनियर ऑफिसर, मेरे इदारों के जूनियर ऑफिसर जिनका ये प्रेशर है। अदरवाइज यहां तो कुतियां कुत्ते सब चोरों के साथ मिले हुए हैं। ये अल्लाह ताला की रहमत है, कुछ हमारी मेहनतें हैं, कुछ हमारा खलूस है कि इसको ये डेथ पेनल्टी का ऐलान हुआ। ये तो उसको सेरे लगा के पहले घर में उसका निकाह करवाने वाले थे कुड़ी के साथ, मुड़के डोली में बैठा के उसको वाघा बॉर्डर में पार करवाने वाले थे इंडिया के पास। पाकिस्तानी खुशियां मनाओ, बहुत अच्छा मौसम आने वाला पाकिस्तान में, फसलें बाहर आने वाली माशाल्लाह, ये बगैरती खत्म होने वाली, एक ऐसा तूफान आने वाला।